अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नमस्कार, मैं हूं वत्सराज। ये अल्फाज हैं एक महापुरुष के, भारत के ऐसे महापुरुष जिन्होंने एक स्वतंत्रता की लड़ाई शायद स्वयं लड़ी। ये उस स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसमें भारतवर्ष की बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता की पूरी कहानी लिखी हुई थी। आज से ठीक 161 साल पहले भारतवर्ष के तत्कालीन कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, एक लड़के का जन्म हुआ। 12 जनवरी 1863, ये वही दिन था जब बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। एक जाने माने वकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ। बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और प्रेम से घरवाले नरेंद्र कहकर पुकारा करते थे। ये वही लड़के थे जिन्होंने आगे चल के एक ऐसी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसके कारण हमारे देश का डंका ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में बजा। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। 1893 वो साल था जब शिकागो में 30 साल की उम्र में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने जाकर के हिंदुस्तान की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिससे बाहर के देशों को ये भली प्रकार महसूस हो गया कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है। वहाँ ऐसे वैचारिक लोग, ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष मौजूद हैं जो पूरे देश को, ना केवल पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को एक समाज के तौर पर एक एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे अपने एड्रेस के लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, तो उस समय बड़ी नाइंसाफी करके उनका मजाक उड़ाते हुए उनको मौका देने से वहां के लोगों ने इनकार किया। उस सभा के जो सबसे मेन जो जिम्मेदार लोग थे, जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने शुरुआत में उनको एक एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन में लगभग 2 मिनट का समय दिया और उनके सामने टॉपिक रखा शून्य, जीरो पे बोलिए, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे देश का अपमान करना चाहते थे कि इतने साल से अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है ये देश, यहाँ का कोई पादरी, यहाँ का कोई पुजारी, यहाँ का कोई महात्मा जो पीले वस्त्र पहन करके अपने एकदम पुराने पोशाक में आया हुआ है, जो उसका पुराना कल्चरल ट्रेडिशनल पोशाक है, सिर पे साफा लपेटे हुए, वो यहाँ पर आकर के कोट पैंट पहने हुए लोगों के बीच में क्या बोलेगा, वो क्या विचार रखेगा सबके सामने। लेकिन माइक पे खड़े होते ही एक जोरदार आवाज हुई, किसी बिजली की तरह कौन कही उस सभा में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उद्भोगवाद में खो चुका वो देश शायद बहन और भाई के संबंधों को भूल गया था। और उस वक्त जाकर के स्वामी विवेकानंद ने जब इस एक लाइन से उन सबको संबोधित किया तो लगभग 7 मिनट तक खड़े होकर के हॉल में सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते रहे, खड़े होकर ताली बजाते रहे। ये स्टैंडिंग ओवेशन के इतिहास में भी उस समय का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन था। न सिर्फ ये, वो ओवेशन सिर्फ उस एक महात्मा को नहीं मिल रहा था, वो ओवेशन मिल रहा था हिंदुस्तान की वैदिक संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों को, हमारे उस स्पिरिचुअल रिचनेस को जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शिक्षा में संकलित करके रखा था और स्वामी विवेकानंद को वैसे का वैसा प्रदान कर दिया था। आज 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसका कारण सिर्फ ये है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को ही देश की एकमात्र सबसे बड़ी अमूल निधि माना करते थे, सबसे बड़ी पूंजी माना करते थे। उनकी ये सोच थी, उनका ये विचार था कि देश में अगर कोई परिवर्तन ले आ सकता है तो वो देश के युवा ही हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही आइकॉन के तौर पर उभर करके समाज के सामने आए थे। एक 30 साल के युवा जिन्होंने अपने वैचारिक क्रांति की ताकत पे पूरे विश्व के ऊपर एक हिंदुस्तान की अमिट छाप छोड़ी थी और ये महसूस करा दिया था कि हमारे लिए आज़ादी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ वक्त में ही हम सब एकत्र होकर के उसे संभव बनाएंगे। वहाँ के एक जाने माने अखबार ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा भी कि इस हिंदुस्तानी महात्मा की बातों को सुनकर के महसूस होता है कि हिंदुस्तान में मिशनरी लोगों का भेजा जाना एक तरह की मूर्खता है। जो देश स्वयं में वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतना ज़्यादा संपन्न है, उसे भला हम क्या सिखाएंगे, बल्कि हमें उस देश से सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ जाकर के महसूस कराई थी स्वामी विवेकानंद ने विदेशों को, अमेरिका को, यूरोप को, और हिंदुस्तान की जो प्राचीन भारतीय पद्धति है उसे जन जन तक वहाँ पहुँचाया था और देश का डंका बजाया था। ये अपने आप में एक आज़ादी की लड़ाई थी, अकेले एक व्यक्ति की लड़ी हुई। स्वामी विवेकानंद बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा करते थे जब इंग्लिश के एक प्रोफेसर के मुंह से ट्रांस के बारे में जान करके, और उस प्रोफेसर ने ये कहा, वो अंग्रेज प्रोफेसर ने ये कहा कि ट्रांस एक ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड है
और इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जाओ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहां पे मिलेंगे और वो अक्सर फ्रांस के सिचुएशन में रहा करते हैं और किसी को भी उस सिचुएशन में पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर के स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी दिमाग में ये विचार पौंधा और एक जिज्ञासा हुई जिसको लेकर के वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंच गया। वहां पे स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई स्वामी रामकृष्ण परमहंस से और वहां पे उन्होंने उनसे आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद प्रेम योग, राजयोग, उनके अद्वैतवाद जैसी बहुत सारी फिलॉसफीज के ऊपर उन्होंने अपने स्वयं के टीके लिखे। उसको भली प्रकार स्वयं उस पथ पर चल के आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा महसूस किया और पूरे विश्व तक पहुंचाया। उनके विचारों में से, उनकी फिलॉसफीज में कई सारी किताबों का संकलन आज रामकृष्ण मठ के द्वारा हो रहा है, जिसमें से कुछ मेरे पास भी हैं, जैसे ये विवेकानंद स्पीक्स टू यू और अवेकनिंग इंडिया। इसमें देश के नौजवानों के लिए, खास करके युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उसके बाद विवेकानंद इज कॉल टू द नेशन, पूरे देश के लिए राष्ट्रवाद की एक पुकार स्वामी विवेकानंद की तरफ से, हिंदू धर्म के पक्ष में ये स्वामी विवेकानंद की कही हुई चीजें संकलित की गई। पावर्स ऑफ द माइंड, एक मनुष्य का मन कितना शक्तिशाली हो सकता है और क्या कुछ कर सकता है उस बारे में। उसके अलावा प्राच्य और पाश्चात्य, यानी हमारा देश और वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके बारे में उनके विचार। उसके बाद व्यक्तित्व का विकास, बहुत ही खास किताब, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जिसने मुझे बहुत मदद की अपने आप को परिवर्तित करने में। और ये शिकागो एड्रेस, यानी जिस भाषण की मैं बात कर रहा हूँ उसके विषय में सारी डिटेल्स इस किताब में दिए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के शास्त्रों को पढ़ने से हमारे अंदर न केवल एक आध्यात्मिक और वैचारिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ये भी समझ में आता है कि कितना कुछ वो अपने विचारों में संकलित करके गए हैं देश के लिए, युवाओं के लिए। इसलिए जो हमें यदि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना हुआ तो इनसे बड़ी विभूति, इनसे बड़ा कोई ऐसा महापुरुष, स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई भी ऐसा समझ में नहीं आया। महापुरुष तो कई सारे हुए हैं देश में, लेकिन फिर भी ये एक ऐसे पाइवटल पॉइंट हैं जिनके विचारधाराओं पर युवाओं को हम आधारित कर सकते हैं, जिनकी विचारधाराओं के ईंधन पर युवाओं के जीवन की गाड़ी बहुत भली प्रकार अच्छी गति से चल सकती है। आज जब पूरी दुनिया, पूरा देश वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वहाँ ये एक ऐसे युवा हैं जिनकी किताबों को पढ़ करके, जिनके विचारों को पढ़ करके हम आप फिर वापस उसी वैदिक संस्कृति की तरफ यकीनन लौटेंगे और अपने आप को उतना ही वैचारिक रूप से ताकतवर बना सकेंगे जैसा कि स्वामी जी ने सपना देखा था किसी जमाने में। तो आज विश्व युवा दिवस पे 12 जनवरी को मैं देश के सभी युवाओं से ये अपील करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि यदि इस दिन को वास्तव में मनाना है तो स्वामी जी के विचारों का अध्ययन करिए और उस पे अमल करने का प्रयास करिए, उस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ आप सबसे, फिर मिलता रहूँगा, लेकर के आता रहूँगा ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।